हम ऐसे तो राघव चड्ढा ही उनसे बात करते हैं, उत्तराखंड के भाजपा के सांसद है नरेश बंसल, वो उन्होंने मांग की है राज्यसभा में कि आप भारत का नाम इंडिया का नाम बदल के भारत रख देना चाहिए और ये अंग्रेजी मानसिकता का परिचायक है इंडिया शब्द। न जाने क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को कि इन्हें अब इंडिया शब्द से नफरत हो गई है। ये वही पार्टी है जो 2004 में अपना कैंपेन लाई थी इंडिया शाइनिंग, उस समय इंडिया शब्द से इन्हें परहेज नहीं थी। जब ये भारत सरकार में रहते हुए स्कीम्स लाए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, तब इन्हें कोई परहेज नहीं था इंडिया शब्द से। क्योंकि अब विपक्ष के गठबंधन का नाम भी इंडिया हो गया, अब इन्हें नफरत हो गई है इंडिया से। मैं भाजपाइयों को कहना चाहूँगा, जिस सरकार में, केंद्र सरकार में होने का तुम लोग दावा करते हो, उस सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। जिस संविधान से ये देश चलता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। जिस दफ्तर में नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं उस दफ्तर का नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। और इसी के साथ साथ क्या भाजपाई इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का भी नाम बदलेंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे राघव चड्ढा अपनी बात रखते हुए, मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।